नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डार्क शेडो और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं हाउ टू इम्प्रूव योर फैशन टिप्स और हाउ टू लुक सेक्सी इंस्टेंटेनियसली। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज की वीडियो में लास्ट में कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फैशन से रिलेटेड भी हैं और उससे कुछ ज़्यादा भी हैं। तो वीडियो पूरी देखना लास्ट तक और बीच में कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। टिप नंबर वन, डिटेलिंग। दोस्तों डिटेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको सामने वाले बंदे से बहुत ही ज़्यादा अलग कर सकती है और अट्रैक्टिव दिखा सकती है। भले ही आपने और सामने वाले बंदे ने सेम क्लोथ्स डाल रखे हो, सेम कलर, इवन सेम पैटर्न भी डाल रखा हो, फिर भी आपको सामने वाले से वो अलग दिखाएगी और अट्रैक्टिव दिखाएगी। तो इसमें डिटेलिंग करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर सकते हैं, शर्ट को टक इन कर सकते हैं, जो पैंट्स को उसको रोल अप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आपके जो क्लोथ्स में एक बहुत अच्छी डिटेलिंग आएगी और आप थोड़े से अलग भी दिखेंगे और अट्रैक्टिव भी दिखेंगे। पॉइंट नंबर टू, फिटिंग। दोस्तों आज के टाइम पे रेडीमेड का ज़माना है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कपड़े स्टिच करा के पहनना पसंद करते हैं। भले ही आप कोई भी कलर के किसी भी पैटर्न या कोई भी क्लोथ्स पहन रहे हैं, अगर आपकी फिटिंग उसमें अच्छी नहीं है तो आप कितने भी ब्रांडेड, कितने भी महंगे, कोई से भी ज़ारा, गुची, कुछ भी पहन लो, आप अच्छे नहीं लगोगे। लेकिन हाँ, वहीं पर ही आप लोकल ब्रांड, नॉर्मल ब्रांड भी पहनते हो बट उसकी फिटिंग अच्छी है, उसका क्लोथ अच्छा है, आपकी बॉडी पे फिट है, तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। फिटिंग में ही मैं एक पॉइंट ऐड करते हुए बोलूँगा कि अगर आप टी शर्ट्स पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि जो टी शर्ट्स की स्लीव्स हों वो आपके आर्म पे हल्की सी टाइट, मीन्स मतलब वो आपके बाइसेप्स को पूरा कवर कर रहा हो, सही तरीके से फिट हो, उस पर टाइट हो। जो कॉलर पहनते हैं, अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो उस कॉलर से छपरी कॉलर नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसे नीचे लटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज़माना भाई बहुत पहले जा चुका, वो 1980s का ज़माना था। अब के टाइम पे बिल्कुल स्टैंड कॉलर रखते हैं, जेंटलमैन कॉलर। टिप नंबर थ्री, मैच कलर्स। दोस्तों कलर मैचिंग और लेयरिंग करना कोई निंजा टेक्निक नहीं है, लेकिन और ना ही रॉकेट साइंस है, बट यस अगर आपने वो चीज़ सही से नहीं करी तो आपको वो हीरो बनाने के बजाय ज़ीरो भी बना सकता है, और आपको ज़ीरो से हीरो भी बना सकता है। सपोज़ आपने रेड कलर के शूज़ डाल लिए और उस पर येलो कलर की पैंट डाल के, तो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी। और अगर आपको लेयरिंग और कलर्स के बारे में और डिटेल्ड में जानना है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उस पर चेक कर सकते हैं, उसको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से ज़रूर देख लेना। बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने ग्रूमिंग अपनी बियर्ड को ग्रूम्ड नहीं कर रखा, या नेल्स नहीं ग्रूम्ड कर रखे, फेस ग्रूम्ड नहीं है, तो आप में और किसी जंगली में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगने वाला। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको सामने से आके बोले ओ भाई जंगली इंसान बन जा, तो उस चीज़ के लिए आप अपनी ग्रूमिंग ज़रूर करें। और ग्रूमिंग के बारे में अगर जानना है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर किसी को जानना है तो भाई कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा ज़रूर। लेकिन यस, ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, आपको डिफरेंस देती है इंसान और जानवर में, जंगली बनने में और इंसान बनने में डिफरेंस देती है लुक्स के मैटर में। इंटरनली आप क्या हो वो आप खुद जानते हो। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ जो है एक्सेसरीज। गाइज मैंने पहले ही अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है कि एक्सेसरीज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक्सेसरीज आपकी सेक्सीनेस में या अट्रैक्टिवनेस में एक अलग ही लेवल टच करती है। लाइक आपका लेवल ज़ीरो है तो आपको 10 पे भी पहुंचा सकती है, एक्सेसरीज इतनी इंपॉर्टेंट है। बट यस, एक्सेसरीज का सबसे गोल्डन रूल है नेवर ट्राई मोर देन 3 एक्सेसरीज एट अ टाइम। और अगर आप स्टूडेंट हैं मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 2 ही एक्सेसरीज एक टाइम पे ट्राई करें। और एक्सेसरीज में डिटेल्ड में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बट यस गाइज मैं उसके लिए बहुत सॉरी हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो वो आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीडियो थी, तो उसमें मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही होगी, थोड़ी सी इचिंग है, पिच थोड़ी सी ऊपर है या नीचे है मुझे नहीं समझ में याद नहीं है, बट यस थोड़ी सी है, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही बोल रहा हूँ। बट हाँ, हेल्पफुल बहुत है, देख सकते हो आप वो वीडियो के, मैं उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टिप नंबर 6, ट्राई इट आउट। तो भाइयों जितना हो सके नई नई चीज़ें हमें हमेशा ट्राई करती रहनी चाहिए, और सेम यही रूल हमारे फैशन में भी अप्लाई करता है। तो जैसा हो सके, अगर आपके पास फॉर्मल क्लोथ्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है पहनना और आपने कभी सेमी फॉर्मल ट्राई नहीं किया, तो यार डाल के देखो, क्या पता है वो चीज़ आपके पास बहुत अच्छी लगे। कैजुअल्स डालो और भी अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहो, और मैं तो कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, क्योंकि आप खुद नहीं पता कि आप किस चीज़ में सबसे बेस्ट लगोगे।
जितना हो सके अलग अलग चीज़ें अलग अलग क्लोथ्स के साथ ट्राई कीजिए। कभी शूज़ को किसी ऐसे क्लोथ्स के साथ ट्राई कीजिए जहाँ तक आपने ट्राई अभी तक ना किया हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे, तो अपनी मम्मा से एडवाइस ले लीजिए, अपनी सिस्टर से पूछ लीजिए, और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो भाई मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे DM करो, भाई है पूरे हेल्प करेगा यार। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ, जो है टिप नंबर 7, पोस्चर। दोस्तों पोस्चर एक ऐसी चीज़ है कि आपके एक्टिवनेस में आप एक्टिव कितने दिख रहे हो, कितने लेजी दिख रहे हो, ये चीज़ दिखा सकती है। आप अगर किसी के सामने हो तो आप हाँ एक्टिव दिखा सकते हैं अपनी वॉइस से या किसी चीज़ से, बट यस अगर आपकी कोई फोटो क्लिक कर रहा है या वीडियोग्राफी है या कुछ और काम है जहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं हो सकते, और आप किसी बंदे को आपके उस लुक्स पे ही जज करना या जज क्या करना, मतलब जज करना एक यार बहुत छोटी सी चीज़ होगी, किसी को जज तो ऐसे नहीं करना चाहिए उसके लुक्स पे। मैं कहूँगा जो ऐसा करता है वो लिटरली बहुत नीचे लेवल का है, तो ऐसे लोगों को तो मैं पहले इग्नोर करना चाहता हूँ। बट हाँ अगर आपको कहीं अपना इम्प्रेशन जमाना है तो भाई आज का टाइम भी ऐसा है, अपना ये जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं ये दुनिया ही ऐसी है अभी भी कि 60-70% हमें पहले हमारे लुक्स पे ही जज करती है, भले ही बाद में बंदा कैसा भी हो। क्योंकि दाऊद इब्राहिम भी अगर सूट वूट पहन लेता है तो वो भी अच्छा लगता है, बट यस पर्सनली हम सभी जानते हो कितना बड़ा डॉन है, कितना बड़ा क्या है, कुछ भी है, ठीक है। तो यस लुक्स के लिए थोड़ा सा देख लो, और हाँ रही बात अब आते अपने इस पर टिप पे पोस्चर पे, तो यस आपको पोस्चर अपना बिल्कुल सही रखना है। उसके लिए करना क्या है, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा वाइड ही रखना है हमेशा जितना हो सके, ये नहीं कि आप बिल्कुल छाती चौड़ी करके ऐसे सामने निकाल के चलो यार सामने बिल्कुल निकाल के फोटोग्राफ कराओ, नहीं ये बहुत बेकार लगे, बहुत वल्गर लगे और फनी भी लगे यार, कोई गंदा सा कमेंट करके चला जाएगा, तो उस चीज़ से इग्नोर करना है। बट हाँ उसके लिए हल्का सा सीना बाहर और शोल्डर्स को वाइड करके रखना है, और जितने हो सके अपनी बैक सीधी रखनी, एक अलाइंड बिल्कुल होती ना आपके नेक शोल्डर और ये बैक, तीनों चीज़ें एक लाइन में बिल्कुल अलाइंड हो, ऐसा लगे कि अगर आपको स्केल की तरह नीचे रख के लाइन में डाल दो ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए ना 90 डिग्री की, बिल्कुल ऐसा हो जाए बिल्कुल, तो वैसा अपने आपको करना है। और इससे क्या होगा कि भाई आपके लेजीनेस में नहीं काउंटिंग होगी, आपकी होगी काउंटिंग एक्टिवनेस, एक्टिव बंदों में काउंट होगी, और आपके फ्यूचर में चल के आपको बैकएक की, मतलब जो बैक में पेन होता है उसकी, या शोल्डर्स में जो पेन होने लग जाता है, या नेक में जो पेन होता है, आजकल मैं सुन रहा हूँ एक प्रॉब्लम बहुत ट्रेंड में है जिसको बंदे कहते हैं कि भाई सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल लाइक बंदे इतनी खुशी से बोलते हैं ना कि हाँ भाई हमें सर्वाइकल हो गया, अरे भाई तुम समझ तो लो सर्वाइकल होता है क्या, सर्वाइकल इतनी कोई छोटी चीज़ नहीं है और बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, लेकिन सर्वाइकल आपको ना हो, सर्वाइकल बहुत बंदों को इस वजह से होता है क्योंकि उनका पोस्चर सही नहीं रहता है, पोस्चर इतना बिगाड़ लेते हैं फ़ोन यूज़ कर करके, अपने गेम खेल खेल के या कोई काम ऐसे कर करके इतना अपने पोस्चर को अपनी बॉडी को इतना बेकार कर चुके होते हैं कि उनको सर्वाइकल की दिक्कत हो ही जाती है। तो भाई सर्वाइकल की दिक्कत ना हो, आप लेजीनेस वाले बंदों में काउंटिंग आपकी ना हो, आप एक्टिव ट्रू बंदे दिखो, तो उसके लिए अपना पोस्चर पर ज़रूर काम करो। और पोस्चर पर काम कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताई है अभी थोड़ी देर पहले। दोस्तों ये हमारी आज की लास्ट टिप है, और यस ये प्रो टिप भी हो सकती है, और आप कह सकते हो कि अभी तक की सारी टिप बताई एक तरफ और ये टिप एक तरफ, क्यों? क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग करेगी, प्लस आपको बताएगी कि यस हु आर यू रियली, में तुम कौन हो तुम्हें बताएगी। 100 बंदों में अगर तुम्हें खड़ा कर दिया जाए और तुम्हें पता करना हो किसी को कि हाँ तुम कौन हो, तो यही चीज़ है जो तुम्हें बताएगी, और वो चीज़ है कॉन्फिडेंस। दोस्तों कॉन्फिडेंस आज के टाइम पे इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका CV थोड़ा कमज़ोर भी थोड़ा वीक भी है, लेकिन आप इंटरव्यू में हर आंसर का, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंट से देते हो, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है बहुत सारी थ्योरीज में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, और बहुत जो बहुत लोगों ने जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है अपनी अपनी फील्ड में, उन लोगों ने बताया कि भाई कॉन्फिडेंस कितनी ज़रूरी चीज़ है। अभी मैंने बताया कि CV में कितना इम्पॉर्टेंट है, और एक मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसमें भाई बंदा कोई भी भेड़ चाल में घुस जाता है। इसमें बंदे क्यों जा रहे हैं, बहुत से बंदे इस वजह जा रहे हैं क्योंकि जो बंदा सामने से कुछ चीज़ डिलीवर कर रहा है वो इतना कॉन्फिडेंट होके बेच रहा है, अगर वो फेक प्रोडक्ट भी बेचता है ना
तो भी बंदे आंख बंद करके ब्लाइंडली उसकी तरफ चले जाते। क्यों? क्योंकि वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, उसकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि यस वो आपको जीरो से हीरो बना देगा, वो आपको अगले 2 साल में 3 साल में एक मिलियनेयर बिलियनेयर या व्हाटएवर कुछ भी बना देगा एक लेवल पे, भले ही वो कुछ बनाए ना बनाए, बट यस आपको इतनी श्योरिटी दे देता है अपने कॉन्फिडेंस से कि आपको भी बिलीव करने पे मजबूर हो जाते हो। यस भाई, बंदे में जान है, बंदे में आग है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यस गाइज, इस वीडियो में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट कर देना, मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे, मुझे DM कर लेना। और हाँ, आपको अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपना कमेंट करके बताना आपका पर्सनल ओपिनियन, आपका खुद का ओपिनियन क्या है वीडियो के बारे में। और अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जल्दी। मैं हूँ डॉग शैडो, साइनिंग ऑफ।